ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर ओटीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोग में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो की इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले, और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रखे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल ही में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे वक्त से ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज़ सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसकी हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉन रखी मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीज़न से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजोन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसे रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनके अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो, इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकते हैं। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है,
लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स क्या हो जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज़ अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर के साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज और YouTube प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीजन से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी इन मूवीज़ की, हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसके रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से, जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान, जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जिसकी दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुकी हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजोन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स क्या हो जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लिख के कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नई मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए। और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे, और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली
ऑफिशियली नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है। और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो की इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले। और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर टट्टी और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीज़न मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था, उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से मैं आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जिसकी दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अब इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है। और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीज़न से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, दोस्तों आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली, धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली। नेटवर्क्स पर कुछ टाइम लगेगा, यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकते हैं। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है,
लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स की हो जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लिखे कमेंट करिए, हैशटैग दीपिका पादुकोण, हैशटैग अनिल कपूर लिखे कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर के साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोग में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कॉमेंट करिए सबसे पहले, और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतने लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है इस मूवी के अंदर। आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे। सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुल जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी, इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकॉर्ड रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे। जो कि 90s की मूवीज़ की बात करूँ या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसे रोलिस रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछली टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछली टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछली टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली। नेटवर्क्स पर कुछ टाइम लगेगा, यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स क्या रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी के अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली
ऑफिशियली नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले, और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज़ में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे वक्त से ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज़ सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी की डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिक नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड हैं इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीज़न से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, दोस्तों आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली, धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने Super 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनके अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और Krish 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है,
लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स की हो जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, हैशटैग दीपिका पादुकोण, हैशटैग अनिल कपूर लेके कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइट और फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली ऑफिशियली नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोग में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेकर कॉमेंट करिए सबसे पहले, और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीजन से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज के फैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था, उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी इन मूवीज़ की, हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से, जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान, जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनके अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कनकन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो, या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकते हैं, पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है। लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए, पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स की रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लिख के कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है, और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए, और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को
बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे, और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर के साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है। और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनर की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले। और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है, और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया, और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था, और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर के मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीज़न मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए, और काफ़ी लंबे वक्त ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया, और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है, और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से मैं आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड रेक कमाई थी। जिसकी दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अब इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, दोस्तों आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली, धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रोलिस रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कनकन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली। नेटवर्क्स पर कुछ टाइम लगेगा, यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर
मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स क्या रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए, हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर के साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज और YouTube प्रीमियर के बारे में आप लोगों में से कण-कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हां दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण-कण इन जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कॉमेंट करिए सबसे पहले, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतने लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल ही में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण-कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण-कण के पास ऋतिक रोशन सर के मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे। सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीज़न मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुल जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था, उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज़ सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चार्ज काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकॉर्ड रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे। जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछली टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछली टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली। नेटवर्क्स पर कुछ टाइम लगेगा, यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स क्यों रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को
बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोग में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले। और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल ही में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे वक्त से ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज़ सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चार्ज से काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांतारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉन राखी मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीज़न से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, दोस्तों आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीजन से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीजन से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकते हैं। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है,
लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स की रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए। जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज़ अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों #फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और TTT रिलीज और YouTube प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कॉमेंट करिए सबसे पहले, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजंस मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था, उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी, इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से, जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान, जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकर्ड रेक कमाई थी, जिसकी दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुकी हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अब इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रिलीज रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कनकन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछली टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछली टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकते हैं, पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है। लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए, पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स की जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को
बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफी सारी मूवीज में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन पूर्ण मूवी लेके कमेंट करिए सबसे पहले। और काफी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतनी लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल ही में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे, सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन्स मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे वक्त सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर सर के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कण कण सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुली जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारी नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और उनकी सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था, उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कण कण इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतजार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली
काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी। इन मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से मैं आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा के थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ के पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजट मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकर्ड ब्रेक कमाई थी। जिसकी दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉनर की मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अब इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है। और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर काफ़ी सारी साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीज़न से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, दोस्तों आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज़ की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली, धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने Super 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रोलिस रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनके अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और Chris 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो, इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछले टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली नेटवर्क्स पर, कुछ टाइम लगेगा। यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज करवा सकते हैं। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर
मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार टू और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स हो जाएगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिए, हैशटैग दीपिका पादुकोण, हैशटैग अनिल कपूर लिख के कमेंट करिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चा होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लिख के कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर के साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोग में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में से एक्शन थ्रिलर वार ड्रामा मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है। वार मूवी जो कि इससे पहले रिलीज हुआ था, जिनमें आप सभी को ऋतिक रोशन सर के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल गए थे, उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए एक्टर भी देखने को मिल गए थे। आप लोगों में से कण कण इन जॉनरा की मूवीज़ के फैन हो, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स आप लोगों ने फाइटर हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कॉमेंट करिए सबसे पहले, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इन सब मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और मूवी प्रीमियर के साथ फाइटर मूवी के बारे में अपडेट जानना चाहा लोगों ने, इसलिए हम उन सभी के लिए ये सब मूवी के बारे में और अपडेट जानकारी करवा चुके थे। फाइटर ऑफिशियली 2024 की सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी, जिसके हिंदी प्रीमियर के बारे में इतने लंबे वक्त से चर्चे हो रहे थे। मूवी जैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, बजट रहा था 250 करोड़, जो कि हाईएस्ट बजट है। इस मूवी के अंदर आप सभी को ऋतिक रोशन के साथ अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे काफ़ी सारे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन मूवी साबित हो चुका है, हाल में ये मूवी सक्सेसफुली थिएटर पर चल चुका है और लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। आप सभी में से कण कण इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए और हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवीज़ के साथ बेहतरीन सिनेमा की मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में जानकारी करवाने वाले हैं। फाइटर मूवी जो कि ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से अपने किरदार पर निभाया और उनकी इस कास्टिंग और इस प्रीमियर को देखते हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लंबे वक्त से लोगों को ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ को देखना था और लोग उनकी इस तरह के मूवीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास ऋतिक रोशन सर की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स है, साथ ही साथ
उनकी मूवीज़ जो दोस्तों पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे थे। सुपर 30 और वार मूवी के सीक्वल भी आप सभी को इसी साल के अंदर रिलीज में आने को देखने को मिल जाएगा। तो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के अंदर रहने वाली मूवी वार दूसरे सीक्वल पर आप सभी को कुछ एक्साइटिंग स्टोरी और कैमियो रोल्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके रीज़न से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए, जो कि फाइटर मूवी के सुपर सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन मूवी की स्टोरी रही थी, जो कि लोगों को हाल ही में देखने को भी मिल गया है। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज के फैन हो और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे इस मूवी के अंदर, जो पहली बार उनकी इस मूवी को लोगों ने देख चुकी होंगी, वो सब लोग एक्साइटेड थे फाइटर मूवी को देखने के लिए और काफ़ी लंबे बक्सर ये सब मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। और हाल ही में फाइटर जैसी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट और थ्रिलर एक्शन मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार लीड कास्ट में दोनों ही एक्टर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी लंबे वक्त से लोग इस तरह के मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने 2019 में वार मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी डायरेक्टर पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुल जा रही है, जिनमें से दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी सारे नई मूवी की ऑफर मिल रही थी। पठान मूवी ने जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार को निभाया और सुपर सक्सेसफुल के बाद उनको जवान मूवी में एज ए कैमियो रोल शाहरुख खान के साथ देखने को मिल गया था। उसके साथ दोस्तों आप सभी को काफी सारी नई मूवी देखने को मिल जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी 2023 की, पठान मूवी 2014 की, बैंग बैंग और अपकमिंग डेज में आने वाले टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, दोनों ही जो स्पाई यूनिवर्स की दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स रहे थे और सबसे बड़े हीरोज़ आप सभी कह सकते हो, इंडियन हीरोज़ सब स्पाई यूनिवर्स दुनिया की, दोनों को ही क्लैश करके नई मूवी आने वाला है और जिसके प्रीमियर के लिए काफ़ी सारे लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद सर के डायरेक्टर बनने वाली काफ़ी सारी मूवीज़ के अलावा आप सभी को बॉलीवुड पर रिलीज होने वाली कुछ सुपर एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आप लोगों ने हमें बता सकते हो कि दोस्तों अनिल कपूर सर ने जिस तरह से फाइटर मूवी में एज ए लीड कास्टिंग काम किया है, उसकी उनकी और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पिछले टाइम लोगों की तरफ से अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिल रही थी इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रखा था, जिसकी रीज़न से आप सभी को इन मूवीज़ के बारे में, हिंदी प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा दिया था। फाइटर मूवी जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था। अगर दोस्तों आप लोग ये सब मूवी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह की मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारी वार सिनेमा की थ्रिलर मूवी हिंदी पर प्रीमियर करके दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड पर काफ़ी सारी नई मूवीज़ को पसंद किया जा रहा था, तो कि तमिल इंडस्ट्री की AI बेस्ड मूवी और काफ़ी सारी साईफाई मूवी को पिछले टाइम अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिल रही थी। लो बजट मूवी तमिल इंडस्ट्री से, जो कि हाल ही में थिएटर पर हिंदी वर्जन पर भी रिलीज हुआ, हनुमान, जो कि सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर बनाया था, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर पाए, जो कि लोग चौंक चुके हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मूवी की स्टोरी पर काम किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टिंग पर काम किया जाएगा, तो दोस्तों मूवी को बजट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लो बजटेड मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स गेन कर सकती है, ये मूवी ने प्रूव कर दिया है। और इससे साल पहले भी कांटारा मूवी और कार्तिकेय नेटो जैसी तमिल इंडस्ट्री की दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्रेक थ्रू कमाई कर रही थी, जो कि उन मूवीज़ के बजट काफ़ी ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी बजट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेकॉर्ड ब्रेक कमाई थी। जैसे कि दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी हाईएस्ट बजट पर बनती है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बजट पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाने के रीज़न से मूवी की स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। पर दोस्तों इस टाइम दोस्तों आप सभी को काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है और लोग एक्साइटेड है इन जॉन राखी मूवी प्रीमियर के लिए। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो और हाल ही में रिलीज़ हुई फाइटर मूवी आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देख चुके हो या फिर OTT के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों अभी इस मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है और नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस मूवी का सब्सक्रिप्शन राइट्स परचेज करके रखा है। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने जवान से लेकर पठान तक, डंकी से लेकर
काफ़ी सारे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स लेकर रखा था, जिसके रीजन से काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन स्टोरी मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों आप सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, आप सभी को ये मूवी आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे लोग इन्हें ऑलरेडी अमेजोन प्राइम जैसी काफ़ी सारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन रख के बैठे थे, जो कि 90s की मूवीज़ की बात करो या फिर वेब सीरीज की, काफ़ी सारे भरी बढ़ाओ अमेजन के पास राइट्स रखा है। पर दोस्तों पिछले टाइम इसी ही रीज़न से नेटफ्लिक्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्रेट कमाई करने वाली धूम मचाने वाली मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स खुद परचेज करके रखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेट्स दे रहा है मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसके रीज़न से उनको बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन राइट्स देखने को मिल रहा है। जो कि आप सभी को बता दें, ऋतिक रोशन सर ने सुपर 30 के काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद उनकी वार मूवी को जैसा रोलिस रेस्पॉन्स दिए थे, इसके बाद इनकी अपकमिंग डेज में आने वाली मूवी वार की सीक्वल और क्रिस 4 जो कि मच अवॉइटेड मूवी होने वाली है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए आप लोगों में से कन कन ये सब मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, और हिंदी सिनेमा की इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जो कि पिछले टाइम मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम वार थ्रिलर मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दोस्तों लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो या फिर आप लोगों ने देख सकते हो इन मूवीज़ के रिकॉर्ड ब्रेक IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्स पर ये मूवी चल रही है। और फाइटर मूवी जो पिछली टाइम आप सभी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिलने वाली है, और हम आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं रखे हो तो दोस्तों इस मूवी को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटली। नेटवर्क्स पर कुछ टाइम लगेगा, यूट्यूब प्रीमियर ये मूवी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों फाइटर की सीक्वल आने के दौरान मूवी को प्रीमियर पर ऑफिशियली रिलीज़ करवा सकती है। पर दोस्तों अभी तक मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में और कि सीक्वल के बारे में अपडेट नहीं मिला है, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी के सीक्वल के लिए। पर दोस्तों अगर मूवी के सीक्वल आने के बाद 2025 पर जब वार और क्रिस की सीक्वल जो कि वार 2 और क्रिस की चौथी सीक्वल को कंप्लीट किया जाएगा और दोनों ही मूवी सीक्वल सक्सेसफुली रनिंग हो जाएगा, तब आप सभी को पता चलेगा अगर दोस्तों मूवी आएगा या फिर नई मूवी के बारे में रेस्पॉन्स रहेगी। सारी बात मूवी के अपकमिंग अपडेटिंग के बाद पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फाइटर मूवी को एक बार देखिए, जो थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले लोग हो उन सभी के लिए तो ये सबसे अच्छी और काफ़ी बेहतरीन इंटरटेनिंग मूवी लगने वाली है। और दोस्तों थ्रिलर मूवीज़ के फैन फॉलोइंग पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री से या फिर इंडिया से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके रीज़न से आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि आसानी से आप सभी को काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को भी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ को ऑफिशियली देखने लगे हैं, जिसके साथ साथ ऑफिशियली प्रीमियर के बारे में अपडेट लोगों को भी मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #दीपिका पादुकोण #अनिल कपूर लेके कमेंट करिए। जो कि आप सभी को तो पता है कि दोस्तों पिछले टाइम अनिल कपूर सर ने काफ़ी सारी अच्छी खासी मूवी प्रीमियर पर उन्होंने दिख दिया है और उनकी काफ़ी सारी नए मूवी को लोगों ने पसंद कर रहे थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो इन दिनों रिलीज में आने वाली इन सब मूवी में कौन सी मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को रिलीज़ के साथ साथ मूवी की अपडेटिंग कहानी और रिलीज़ अपडेट के लिए हम जानकारी करवाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फाइटर फुल मूवी हिंदी वर्जन लेके कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी खासी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी मूवी देखने को भी मिल जाए और स्टोरी बेस्ड कहानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के बारे में अपडेट मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो को लाइक करिए और बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना है, हम आप सभी को
बैक टू बैक सुपर डुपर और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी दिखाएंगे, और वीडियो के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी के प्रीमियर और प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हैशटैग फाइटर फुल मूवी लेके कमेंट करना ना भूलिए। हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफी सारी नई और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋतिक रोशन सर की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइटर मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर और टीटी रिलीज और यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर फाइटर फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। सिद्धार्थ आनंद सर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लोगों को ये मूवी थिएटर पर हाल ही में उतर चुका है। और दोस्तों काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फैन हो, उनकी